ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। तपस्या का धार्मिक मूल्य है वे तो सब जानते, किंतु तपस्या का जो शारीरिक मानसिक और भावनात्मक मूल्य है उसे कम लोग जानते हैं। हम शरीरधारी हैं, शरीर के माध्यम से सारी क्रियाएं करते हैं, और शरीर भोजन के बिना चलता नहीं, उसे भोजन देना होता है। भोजन देना एक बात है और भोजन कैसा देना चाहिए बिल्कुल दूसरी बात है। भोजन देना तो अनिवार्य मानते हैं कि खाए बिना कुछ नहीं चलता, और प्रसिद्ध कहावतें भी बहुत चल पड़ी, भूखे भजन न होई गोपाला, भूखा भी भजन नहीं कर सकता। तो खाने की जरूरत तो सब मानते हैं, पर खाने का तरीका क्या हो इस बात को कम जानते हैं। एक प्रकार का भोजन करते हैं और मानसिक स्थिति विकृत बन जाती है। गीता में बहुत सुंदर विश्लेषण किया कि सात्विक राजसिक और तामसिक, एक तामसिक भोजन होता है, एक राजसिक राजस भोजन होता है, और एक सात्विक होता है। स्वस्थ वह है जो हितकर भोजन करता है, स्वस्थ वह है जो परिमित भोजन करता है, मित भोजन करता है, और स्वस्थ वह है जो रित भोजन करता है। पहला है हित भूख, हितकर भोजन, इस पर विचार करें कि खाने वाला हित का विचार करता है या प्रिय का विचार करता है। हित और प्रिय, इन दो शब्दों पर भारतीय साहित्य में, अध्यात्म साहित्य में बहुत चिंतन हुआ है। एक होता है प्रिय और एक होता है हित। प्रिय अच्छा लगता है किंतु आगे जाकर परिणाम में अच्छा नहीं होता। हित एक बार शायद अच्छा न लगे पर उसका परिणाम अच्छा होता है, और वह व्यक्ति समझदार है जो परिणामदर्शी होता है, परिणाम को देखता है। कोई भी काम करे सो पहले सोचे इसका परिणाम क्या होगा। आवेश में आकर काम तो कर लेता है, जब परिणाम का समय आता है उस समय फिर भागता फिरता है, फिर फरार हो जाता है, फिर और कुछ हो जाता है। परिणाम के समय परिणामदर्शी जो आहार हितकर है यानी परिणाम में अच्छा होता है, प्राय लोग स्वाद को ज्यादा महत्व देते हैं। स्वाद को महत्व मत दो, यह स्वर हजारों वर्षों से चल रहा है, और महात्मा गांधी ने तो एक व्रत ही बना दिया, अस्वाद व्रत। 11 व्रतों में एक व्रत है अस्वाद व्रत, कि काम बड़ा कठिन है। जब सामने भोजन आता है और बढ़िया वस्तुएं आती है, मनोज्ञ भोजन आता है, उस समय हित की बात सारी भुला दी जाती है।
वहाँ तो फिर प्रिय की बात ही आती है, प्रिय की बात जो अच्छा लगे, स्वादिष्ट हो, बस वही खाना। बहुत सारे लोगों को देखा बीमार हैं, हार्ट का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली बात वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, पर जब सामने आता है सब बात को भूल जाता है। आंतें खराब है, पाचन ठीक नहीं है, इसलिए भारी भोजन नहीं करना चाहिए, पर जब ये दाल का सीरा, बादाम का सीरा, कचौड़ी पकोड़ा की स्वाद गंध आती है सब बात को भूल जाता है, याद नहीं रहता, हित की बात ध्यान में नहीं रहती। बहुत वे लोग कम हैं जो इतनी सावधानी के साथ चलते हैं कि मुझे हित कर भोजन करना है, प्रियता की बात को आगे नहीं रखना है। स्वस्थ कौन हो सकता है जो हित भूख है, हित कर भोजन खाता है। आजकल पता नहीं क्या हो गया कि ये पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी महिलाएं नाना प्रकार के व्यंजनों का अपना छापती है और उसे देखकर सब लोग बनाने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं, खाने में शायद अच्छा लगता होगा, ये नहीं जानते कि ये ठीक है कि नहीं। अब मुझे तो आश्चर्य होता है, करेले का साग और उसमें भी छन्ना छेना, चाहे तोरई का साग, जबकि एकदम प्रतिकूल बात है, एकदम विरोधी बात है कि तोरई के साथ करेले के साथ दूध की कोई उत्पाद नहीं होनी चाहिए, कोई वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए, पर सब में ये मिलाया जाता है, स्वाद लगता होगा। दूसरी है मित भूख, परिमित भोजन, ज्यादा मात्रा में नहीं खाना, ज्यादा मात्रा के साथ खाना, किंतु जब मनोज्ञ भोजन होता है मात्रा का ध्यान भी नहीं रहता। एक डॉक्टर ने अपने मित्रों को भोज पर आमंत्रित किया, काफ़ी लोग 150 लोग आ गए, भोज का समय हुआ और अब खाने की तैयारी सारा परोस दिया गया, खाने की तैयारी, डॉक्टर खड़ा हुआ, अब हम भोजन शुरू करेंगे, पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम आदमी की तरह खाएं या पशु की तरह खाएं। बड़ा अजीब सवाल था, लोगों ने कहा ये क्या, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप, ये क्या मजाक कर रहे हैं, कहा आदमी की तरह खाएं या पशु की तरह। डॉक्टर ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत गंभीर प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। वह क्या है आपका गंभीर प्रश्न, कि मेरा प्रश्न यह है कि पशु जितनी भूख होती है उतना ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, सामने कितना ही डाल दो भूख है उतना खाएगा, मुँह फेर लेगा। आदमी ऐसा है कि बढ़िया आए तो डबल ट्रबल खा जाता है, उसका पता ही नहीं लगता, तो बोलो हम आदमी की तरह भोजन करें या पशु की तरह भोजन करें। मित भोजन, मात्रा के साथ। अब मात्रा का विवेक तो बड़ा कठिन है, ऐसे सब लोग नहीं जानते मात्रा कितनी होनी चाहिए। यहाँ प्राचीन काल से मात्रा पर बहुत विचार किया गया और आयुर्वेद के आचार्यों ने इस पर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि भूख के चार भाग कर लो, जितनी भूख है चार हिस्सा कर लो, दो भाग तो खाओ, एक भाग पानी के लिए छोड़ दो और एक भाग वायु बनेगी उसके लिए छोड़ दो। वह तो संतुलित भोजन, आजकल संतुलित भोजन की तालिकाएं तो पाठ्यक्रम में बहुत छपती है, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन सारा आता है, पर उसमें यह मिलेगा कि यह इतना विटामिन्स होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, लवण होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, यह तो सारा मिल जाएगा, पर मात्रा कितनी होनी चाहिए यह बड़ा कठिन है। मात्रा का विवेक बहुत मुश्किल से रहता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और मेरा तो निश्चित मत है, अगर एक परिमित भोजन की बात समझ में आ जाए
तो शायद हॉस्पिटलों और डॉक्टरों के लिए समस्या बन सकती। हॉस्पिटल किस आधार पर चल रही हैं, नए नए क्यों बन रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज में इतनी भीड़ क्यों लग रही है कि अधिक खाने वाले लोग उन सबको जिला रहे हैं। उनके आधार पर सारा चल रहा है। अगर आहार का संयम हो तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, हमारा रेजिस्टेंस पावर, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत होगा, रहेगा कि बीमारियों को कम अवकाश मिलेगा। किंतु ज़्यादा खाता है तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम भी लड़खड़ा जाता है और बीमारियों के लिए खुला दरवाज़ा हो जाता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है मित भूख हित खाओ, मित का भोजन करो। तीसरी बात और ज़्यादा जटिल है, सबसे ज़्यादा जटिल, इस पर ध्यान देना है। ऋत भूख विशेष ध्यान दें। ऋत भूख, ऋत का अर्थ है कि ईमानदारी के साथ जो पैसा कमाया उसका भोजन करो। तो बड़ा कठिन कह दिया, बहुत कठिन बात हो गई कि भला ऋत भूख। आज कौन व्यक्ति है जो प्रामाणिकता के साथ, नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ पैसा कमाए रोटी खाए? खोजना मुश्किल हो जाएगा। एक बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि बीमारी का कारण ज़्यादा खाना, प्रिय वस्तु खाना हम मानते हैं, तो इससे भी ज़्यादा अन्याय का खाना बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। इस पर शायद आज के हमारे चिकित्सक, आज के हमारे मेडिकल साइंस के, चाहे तो आयुर्विज्ञान, चाहे आयुर्वेद, चाहे और चिकित्सा की जितनी थेरापी और प्रणालियां हैं, उन लोगों ने ध्यान कम दिया कि बीमारी का एक कारण अन्यायपूर्ण अन्न खाना है, बहुत बड़ा कारण बनता है। इसका कारण कि आप वह अन्न खाएंगे तो आपका भाव विकृत बनेगा, और भाव विकृत बनेगा तो भाव ही बीमारी का मूल कारण बनता है, वह कारण बनेगा। यानी रोग का साथ हमारी भावधारा के साथ बहुत ज़्यादा है। जो भाव जैसा बनेगा, आज हमारे पुराना यहाँ एक सिद्धांत था कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये तो पुरानी कहावत है। और इस बात को वैज्ञानिक स्तर पर आज मेडिकल साइंस में आ गया कि आदमी जैसा भोजन करता है वैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, और जैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है उसका वैसा ही व्यवहार होता है। यानी बिहेवियर, हमारा सारा व्यवहार करना उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। इसलिए भोजन की बात को साधारण नहीं मानना है। धर्म के क्षेत्र में भी बहुत इसकी महत्वपूर्ण चर्चा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है उसे भोजन का विवेक करना होगा, जो व्यक्ति धार्मिक बनना चाहता है उसे भी भोजन का विवेक करना होगा कि मैं कौन सा भोजन कर रहा हूँ। कौन सा भोजन बड़ा असर होता है, संस्कारों का असर कितना होता है कि आपने गलत ढंग से कमाया उसके साथ गलत संस्कार आते हैं, और संस्कारों का प्रभाव कहाँ तक चलता है। एक कोई फ्रांसीसी सेनापति, एक समस्या पैदा, डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर मेरी एक समस्या है कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ बड़े बड़े गोष्ठियों में, बड़े भोजों में, और सेनापति था, बड़े लोगों के साथ मिलता हूँ, कोई भी बड़ा आदमी पास में आता है मेरी अंगुलियाँ उसकी जेब में चली जाती, मुझे बड़ी शर्म आती है, लज्जा की बात है, ये क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा सर मेरी भूल हो गई।
मैंने जो अंगुलियों का प्रत्यारोपण किया था वे अंगुलियां जेब कतरे की थी, वे आपके लगा दी। संस्कारों का संक्रमण कहाँ तक होता है हम शायद कल्पना नहीं कर सकते। तो भला अनाज के साथ भोजन के साथ भी हमारे संस्कार जाते हैं, मांसाहार का निषेध क्यों किया गया? आप धार्मिक दृष्टि की बात एक बार छोड़ दें, स्वास्थ्य के साथ संबंध इसका बहुत ज्यादा है कि शाकाहारी जितना स्वस्थ रह सकता है मांसाहारी उतना स्वस्थ नहीं रहता। और इससे भी आगे की बात जो मुझे लगती है वह यह है कि पशु का संस्कार जो मांस में निहित है, मांस का भोजन करने वाला उन संस्कारों से बच नहीं सकता, वे पार्श्विक संस्कार उसमें आ जाते हैं। और हमारे मस्तिष्क में तीन परतें मानी जाती है, उनमें एक परत है एनिमल ब्रेन पशु की परत है। और फिर जो पशु का ये मांस खाता है, आहार खाता है, तो वे संस्कार उसमें संक्रांत हो जाते हैं और फिर पार्श्विक वृत्तियां बढ़ती है। इसलिए इन सब बातों पर विचार करें तो भोजन के बारे में विवेक करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया। पर कठिनाई क्या है कि न तो भोजन बनाने वाली इस बात का अध्ययन करती और न खाने वाले इस बात का अध्ययन करते हैं। रसोई घर स्वास्थ्य का घर है और रसोई घर बीमारी का घर भी है। और आधुनिक विचारक वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने वाले उन्होंने इस भाषा में लिखा कि रसोई घर से होने वाली हिंसा। क्या हिंसा कहाँ से आई? यह रसोई घर से होने वाली हिंसा, रसोई घर से हिंसा आ रही है। इसलिए रसोई घर को एक पवित्र मंदिर मानना चाहिए। क्या यो रसोई घर है, हमारा भोजन का स्थान है, एक पवित्र मंदिर है। यह पवित्र रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और अहिंसा भी बढ़ेगी, अच्छी बातें आएगी। और यह रसोई घर पवित्र नहीं है तो बीमारी बढ़ेगी, बुरे विचार बढ़ेंगे, हिंसा बढ़ेगी, उत्तेजना बढ़ेगी, आवेश बढ़ेगा और फिर लड़ाई झगड़ा भी चलेगा। मैं मानता हूं तपस्या करने वाले व्यक्तियों ने सच्चाई को कुछ समझने का प्रयत्न किया। बहन ने 83 दिन की तपस्या की, ऐसा हर कोई तो विश्वास भी नहीं कर सकता कि भला इतने दिनों तक खाए बिना रह सकता है। डॉक्टरों से तो जब बात होती कहते हैं कि हमारे हिसाब से तो पूर्ति नहीं होती, तो सारी धातुएं क्षीण होने लग जाती है। 5-10 दिन ही मुश्किल है, 80 दिन से ऊपर तक नहीं खाना एक बड़ी बात है। पर भावना का बल, श्रद्धा का बल, मनोबल सब मिलते हैं तो शरीर का बल भी बढ़ जाता है। शरीर बेचारा अपने आप में क्या करता है, चलाने वाली है श्रद्धा। शरीर को कौन चलाती है? श्रद्धा चलाती है। शरीर को कौन चलाता है? मनोबल चलाता है। मनोबल ये तो सारे चलाने वाले हैं। जिसका मनोबल अच्छा है, श्रद्धा अच्छी है और भावना अच्छी है तो फिर शरीर भी साथ देने लग जाता है। शरीर भी सयाना है, हर किसी को साथ नहीं देता। शरीर किसको साथ देता है? जिसमें श्रद्धा का बल है, शरीर भी समझौता कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, तुम चाहे सो करो। जिस्म का मनोबल अच्छा है, शरीर भी साथ देने लग जाएगा। और जिसमें एक आशा प्यासा है कि मैं इसके द्वारा अपना आत्मशोधन करूं, शरीर उसका साथ देने लग जाता है। तपस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है, पर विवेक पूर्वक तपस्या के साथ भी विवेक होना चाहिए। कोई यह जरूरी नहीं कि कितने दिन की तपस्या, मैं तो उसको बहुत महत्व देता हूँ,
जो व्यक्ति बारह महीना ही हित भूख मित भूख रित भूख होता है वह बड़ा तपस्वी, जो बारह महीने तपस्या करता है, परिमित खाता है, परिमित बड़ा तपस्वी है। यह तो नहीं कि पांच दिन तो नहीं खाया और अगले पांच दिनों में दस दिन की कसर निकाल ली, ऐसा तो कोई अच्छा नहीं होता। वह नहीं, 80 दिन 83 दिन की तपस्या करे, उससे फिर 83 दिन ताई पच करना होता है। जैसे दवा लेते हैं ना भाइयाँ, तो इतने दिन तो दवा ली रहा पच कर रहे हैं, पच करते हैं, तो उतने दिन तो पच करना होता है, यानी 83 दिन तो फिर आहार का संयम रखना होता है। ऐसा तो नहीं कि लंबी तपस्या की, पालने में शीरा भी खा लिया, बर्फी भी खा ली, आइसक्रीम भी खा ली, यह भी खा लिया, कचौड़ी पकौड़ा भी खा लिया, तो फिर वह तपस्या निकम्मी हो जाती है। इतना संयम उसको रखना होता है, यह तपस्या का विवेक है। पर कुछ लोगों के क्षयोपशम होता है, अन्यथा लंबी तपस्या करने वाले तो सोए रहते हैं, चेहरा भी मुरझा जाता है। कुछ कुछ में शक्ति होती है कि चेहरे पर भी कोई विशेष असर नहीं होता और शक्ति भी बनी की बनी रहती है, एक सौभाग्य की बात है कोई। तो हम लोग तपस्या पर विचार करें और उसके साथ साथ आहार संयम पर विचार करें। सब लोग लंबी तपस्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं स्वयं नहीं कर सकता तपस्या लंबी, कभी करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता। किंतु हमने उस सूत्र को पकड़ा है कि आहार का संयम रहना चाहिए, आहार का संयम। आप जानते हैं अगर आहार का संयम नहीं है तो 60 वर्ष का आदमी भी निकम्मा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। और आहार का संयम है तो 100 वर्ष तक भी आदमी सक्रिय रह सकता है, अच्छा दिमाग, अच्छा काम, अच्छा श्रम हो सकता है। हमें ध्यान देना है आहार संयम पर। आज बाजार ऐसे बन गए और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी बन गई कि खाने की चीज़ें बहुत परोस रही, बहुत खाने की चीज़ें आ रही है। आज कभी कभी बड़े लोगों के घरों में जाती हैं, मैं तो नहीं जाता आजकल, पर संत जाते हैं, बतलाते हैं कि वहाँ टेबल पर, खाने की टेबल पर इतनी चीज़ें रखी रहती हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया, इतने आइटम बन जाते हैं। और जब ब्याह शादी का प्रसंग हो तब तो भगवान जाने क्या होता है। पुराने कुछ 2-4-5-10 वर्ष पहले की बात है, आज तो और विकास हो गया। एक भाई मेरे पास आया और थोड़ा अहंकार भी लग रहा था, बोल रहा था, वह नहीं बोल रहा था, अहंकार बोल रहा था। बिना पूछे उसने बताना शुरू किया कि मैंने अपनी लड़की की शादी दिल्ली में की। मैंने सुन लिया, फिर बोला अमुक होटल में की। मैंने सुन लिया, फिर बोला कि मैंने 50 आइटम किए थे, इतना कि आज पूरा एक एक और भी नहीं खा सकता। सारा बखान बांचा मैंने सुन लिया, मौन रह, सारी बात सुन ली। जब उसका बखान बंद हुआ, मौन हुआ, तब मैंने एक प्रश्न कर लिया, और तो सब बता दिया, बताओ एक साथ में हॉस्पिटल बनाया या नहीं बनाया, बना इतना खाया है तो आखिर बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल की जरूरत होगी। अब वह मौन हो गया, सारा एक होड़ हो गई कि कौन व्यक्ति बड़ा, तो वह व्यक्ति बड़ा है जो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बनाता है। अब खाने वाला, प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत तो यह है कि एक साथ अनेक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। होम्योपैथी वाले भी बतलाते हैं, आयुर्वेद का भी है, कि अनेक चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। हमें फिर विचार करना है, फिर विचार कि भोजन पर ध्यान दें। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः,
प्रज्ञ गुरु।